विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने मोदी सरकार और भाजपा को घेरने के लिए अब जाति जनगणना को मुद्दा बनाया है। यूपी में जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के महासम्मेलन की शुरुआत आज आलोपीबाग स्थित पटेल सेवा संस्थान के हाल में हो रही है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं व पिछड़ी जाति को साथ लेकर सम्मेलन करने की घोषणा पूर्व में किया था। मंगलवार को जीरो रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेश यादव ने कहा कि सरकार जाति गणना कराने से खुद पीछे हट रही है। ऐसे में भाजपा सरकार जातीय गणना कराने में क्यों हिचकिचा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश के तहत ओबीसी आरक्षण छीनने की लड़ाई कांग्रेस निरंतर लड़ती रही है। आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा हमेशा से पिछड़े दलितों और कमजोरों का हक मारने की फिराक में रहती है, लेकिन उसकी इन कारगुजारियों का पर्दाफाश महासम्मेलन में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन में जातीय गणना कराने की पुरजोर मांग की जाएगी, साथ ही सरकार के पीछे हटने पर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी किया जाएगा। सुरेश यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अलग अलग प्रांतों से कई दिग्गज नेता प्रातः 10:30 बजे से ही जुटने लगेंगे। सम्मेलन में जिला शहर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को शामिल होने का आह्वान किया गया है। अभी हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया, कल जो हमारा जातीय जनगणना जो महासम्मेलन हम लोग हो रहा है, इनमें पूरे प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय पूर्व विधायक गण उपस्थित रहेंगे और हमारे वर्तमान विधायक जो मुख्य अतिथि हैं माननीय वीरेंद्र चौधरी जी, पिछड़ा विभाग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी, माइनॉरिटी के शाहनवाज जी, संगठन के अनिल जी और प्रदेश के जो हमारे नेता हैं जो यहाँ उपस्थित है विवेकानंद पाठक जी और तमाम नेता और हमारे जिले के सम्मानित उपाध्यक्षगण जो हमारे पिछले प्रकोष्ठ प्रदेश के हमारे नेता हैं लाल सिंह से लेकर प्रेम से लेकर अनिल से लेकर तमाम लोग सभी लोग परवेज अशफाक सिद्दीकी से लेकर सभी लोग शामिल होंगे और इसको हम लोग पूरी तैयारी हो गई है। कल हमारा सम्मेलन में आप सभी कांग्रेस जन से सभी लोगों से अपील है ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करेंगे। इस दौरान सुरेश यादव, हसीब अहमद, रईस अहमद, लाल सिंह पटेल, परवेज अशफाक सिद्दीकी, राकेश पटेल, जितेश मिश्रा, मनोज पासी, एहतेशाम अहमद, सुनील यादव, मोहम्मद हसीन, छोटे लाल पटेल, रोहित कुशवाहा, अब्दी इलाहाबादी समेत आदि लोग मौजूद रहे। अभिनवनीत हुए एहतेशाम अहमद साहब और जिले के महासचिव सुनील यादव जी और हमारे साथ में ये प्रदेश के महासचिव परवेज अशफाक सिद्दीकी जी और सम्मानित पत्रकार बंधु सभी।